मधुबन में सितारे हुए खाने के दीवाने। ज्योति गाबा और सोनल की दावत। ऐसा खाना जो दिल खुश कर दे। जी हाँ, मुंबई के मुलुंड में खुला है नया रेस्टोरेंट जिसका नाम है मधुबन वेज अनलिमिटेड बुफे, जहाँ खास मेहमान बनकर पहुँची हैं ज्योति गाबा, सोनल वेनुगोरेकर, साथ ही पहुँची हैं लता सब्रवाल अपने पति संग। भाई यहाँ पर इन सितारों ने यमी यमी फूड का मजा उठाया। वैसे मधुबन की साज सजावट भी देखने लायक है। यहाँ रखे गए हैं 56 भोग। मधुबन को थीम दी गई है वृंदावन की। कान्हा के झूले हैं, मोर है और है साज सजावट, यानी कि जो इस रेस्टोरेंट में आए उसका दिल खुश हो जाए। तो आइए सबसे पहले ज्योति संग करते हैं रेस्टोरेंट की सैर और साथ ही साथ चखते हैं यमी यमी खाने को। ज्योति जी हमारे साथ में है और हम पहुंच गए मधुबन। मधुबन आ गए हम लोग। जी हाँ, मधुबन द डिवाइन स्प्रेड, एज द नेम सेज द डिवाइन स्प्रेड। ये जो मधुबन है वो यहाँ पर, अगर हम थोड़ा सा कैमरा जब घूमेगा सब जब देखेंगे तो मथुरा और वृंदावन की एक छवि यहाँ पर नज़र आ रही है। जी हाँ, बाहर से ही दिखाई दे रहा है, अब जब अंदर जाएंगे तो आई एम श्योर हम और भी अच्छे से नज़ारा देख पाएंगे। कितनी फूडी है ज्योति जी? देखिए मैं फूडी तो बहुत हूँ, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है इस फील्ड में। फिट ये फील्ड तो छोड़ दो, लेकिन आजकल सभी फिट दिखना चाहते हैं, ताकि व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर यू वांट द मिरर टू कॉम्प्लीमेंट यू। तो जितना भी फूडी हो कंट्रोल तो करना पड़ता है, और अगर कंट्रोल ना कर पाओ बैलेंस करना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो कोई एक ऐसी चीज़ जिसको देख कर ये सब जो है बैलेंस बिगड़ जाता हो, मतलब कुछ ऐसा कुछ मीठा या कोई तीखा, क्या आपको ज़्यादा क्या पसंद? देखो मुझे मीठा तो बहुत अच्छा लगता है। मैं कलाकंद करीब एक टाइम था जब मैं आधा किलो या पाव किलो का डब्बा एक साथ खा जाती थी, लेकिन अब मैं नहीं खा पाती हूँ। मीठा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं कंट्रोल करती हूँ, और अब अगर मुझे अंदर मीठा दिखाई देगा आज भी मैं कंट्रोल करूँगी। तो यहाँ पर जो है इनकी स्पेशलिटी है कि 56 भोग यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो कितनी एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट मुझे बहुत है, क्योंकि वेज में क्या होता है कि ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो वेज में यहाँ पर 56 भोग जो भी है मैं देखूँगी कि क्या क्या ऑप्शंस है, एंड आई रिलिश द डिशेस। यहाँ लॉन्च हुआ है आज मधुबन, और यहाँ इन्होंने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है, आप देखिए बहुत ही कलरफुल है और बहुत सुंदर लग रही है। ये जो गार्लिन का डेकोरेशन किया है इन्होंने एंट्रेंस पर, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। जो तरह तरह के डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स यूज़ किए हैं, बहुत कलरफुल लग रहा है। ये एंट्रेंस पे जो इन्होंने तरह तरह का डेकोरेशन किया हुआ है बहुत सुंदर लग रहा है। इट्स रियली लुकिंग वेरी नाइस, द एम्बियंस भी बहुत सुंदर लग रहा है, एंड वाओ। ये तो बहुत ही अच्छा स्वागत किया है इन्होंने, थैंक यू सो मच। अरे वाह, यहाँ पर तो झूला भी है, झूला झूलना बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत ही सुंदर झूला यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, एंड आज जो भी आएगा थोड़ा सा झूला झूल सकेगा यहाँ पर, जैसे कि मैं झूल रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं आज सच में वृंदावन में आ गई हूँ। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, तब नहीं राधा जले, क्यों नहीं राधा जले। मुझे ज़्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे वो गाना एकदम से इंस्टेंटली स्ट्राइक हुआ जब मैं यहाँ पर एंटर की, और जब मैंने मोर देखा, झूला देखा, तो मैंने बहुत कोशिश की गाने को याद करने के लिए, लेकिन पहली लाइन ही मैंने बहुत एक्साइटमेंट में गा दी। यहाँ झूला देख के मोर देख के मैं तो भूल ही गई थी कि मैं कहाँ आई हूँ। अरे मैं तो यहाँ पर खाने आई हूँ, 56 भोग वेज रेस्टोरेंट में। तो चलिए आपको ले चलती हूँ मैं अंदर, आइए।
अरे वाह, यहाँ का डेकोर तो बिल्कुल मधुबन की तरह, बिल्कुल क्रिएट किया है एग्जैक्टली लाइक मधुबन। मुझे ऐसे लग रहा है कि कृष्ण भगवान जी के मैं वृंदावन में आ गई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ पर भी अच्छे से मोर है, वहाँ पर भी देखो कृष्ण भगवान जी की अच्छी अच्छी मूर्ति लगी हुई है। यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पर बज रहे हैं। वाओ, आई एम रियली फीलिंग सो नाइस। मैं फिर से भूल गई, मैं यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट में आई हूँ खाने के लिए। तो चलो ना, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर वेज रेस्टोरेंट में क्या क्या है, यहाँ पर क्या स्पेशल है। ये देखिए, 56 वेराइटीज़ है। यहाँ कृष्ण भगवान जी को पहले भोग लगाया जाता है, जो कहते हैं ना कि 56 भोग, तो ये 56 वेराइटीज़ है जो कृष्ण जी को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद में यहाँ जो भी कस्टमर्स आते हैं उन्हें फिर सर्व किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स में पिस्ता है, किशमिश है, बादाम है, काजू है, नमकीन में यहाँ पर सेव है, नमकीन सेव है, ये कॉर्नफ्लेक्स, इसे शायद हम भावनगरी गाठिया कहते हैं, ये चने की दाल है, ये हरा मूंग है, ढोकला है, मीठा एक लाइन से यहाँ पर लगा हुआ है। मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे कंट्रोल करना है, मैं नहीं बताऊंगी, आप खुद ही देख लो। 1 2 3 4 5 6 बस। आई थिंक हर एक के लिए जैसे जो अच्छा लगता है, वो खा सकता है। अब ये सब देखकर और आपको बताते बताते मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है, तो मैं सीधा अपनी टेबल की तरफ बढ़ती हूँ। चलिए मैं अभी सर्व करूंगी। ये कुछ अलग टाइप का स्टार्टर लग रहा है, गरम गरम। आई कैन जस्ट फील द स्टीम इटसेल्फ, इट्स रियली नाइस। समोसा भी है, लेकिन मैंने एक फ्राइड आइटम ले लिया है, तो मुझे कंट्रोल करना है। सैलेड, क्योंकि सैलेड विल हेल्प, जब आप थोड़ा सा ज़्यादा च्यू करोगे तो वो जो अंदर से आपके जो तीव्रता होती है ना कि मुझे खाना है, वो थोड़ी शांत हो जाती है। मूंग, विच इज़ अगेन डाइट, सो आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ मूंग ऑल्सो। आई लव ढोकला, सो आई जस्ट टेक वन। इट्स रियली लुकिंग वेरी सॉफ्ट एंड सॉगी। इस पे तो कंट्रोल नहीं होगा, आई एम गोइंग टू टेक इट। लुक्स लाइक सम हेल्थ पूरी, इट कुड बी पालक, इट कुड बी पुदीना, इट कुड बी कोथमीर, विच आई डोंट नो, बट इट्स लुकिंग लिटिल मोर हेल्दी। आम का सीजन है तो आम तो खाना ही है। एंड अगेन, ये भी कुछ मिठाई लग रहा है, आई ट्राई इट। ज्योति ने इस रेस्टोरेंट के मालिक प्रतीश संघ की खास बातचीत, जिन्होंने बताया कि इनके रेस्टोरेंट में क्या कुछ है खास। ज्योति मैम, आई होप आपको फूड्स पूरा सब अच्छा लगा है। बहुत टेस्टी लगा मुझे। आम का सीजन है, आमरस भी बहुत अच्छा है। वहाँ पर एक वीट की पूरी पड़ी थी और एक ग्रीन पूरी पड़ी थी, तो मुझे लगा कि ग्रीन हेल्दी है, भले वो पालक की हो, कोथमीर की हो या पुदीने की हो, मुझे आइडिया नहीं है, सो मैंने वो ग्रीन पूरी ले। ये पालक पूरी है, डेफिनेटली हेल्दी है, जो हमने प्रयास किया है कि हेल्दी फूड सर्व करने का लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आई होप इसमें आपको हेल्दीनेस या फिर आपको डेफिनेटली मतलब जो रेस्टोरेंट का खाना खाने के बाद जो फील होता है, वैसे आई होप नहीं होता होगा। डेफिनेटली मतलब अभी जैसे सीज़न है, वैसे हमने अमरस रखा हुआ है, वैसे ही अभी जैसे आपने कहा कि सलाड नॉर्मली लोग खाते, सलाड के भी अलग अलग हमने व्यंजन रखे हुए हैं, सो आई होप आपने सब वैरायटी टेस्ट की हुई है। यस, मैंने सब वैरायटी टेस्ट की। सैलड के साथ में मैंने ये जो स्प्राउट मूंग है, जिसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा छौंका लगा हुआ है टमाटर प्याज का, वो भी मैंने टेस्ट किया। वैसे आज तो सोनल वेंगुर लेकर
डाइट शाइट भूलकर खा रही हैं ढेर सारी मिठाई, आमरस, काजू कतली, रसगुल्ला, श्रीखंड। भाई सभी का मजा उठाया सोनल ने। बाहर जैसे श्रीखंड मिलता है ना, तो वो कैसे बहुत ज्यादा स्वीट होता है, तो ये वैसा नहीं है, बहुत कम स्वीट है एंड बहुत टेस्टी है। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ आमरस। मैं ऑलरेडी 2 कटोरी खा चुकी हूँ इससे पहले, लेकिन मैं अभी ये खा रही हूँ आपके लिए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को भी आना चाहिए मधुबन में, विच इज़ इन आर मॉल मुलुंड। वैसे यहाँ खास मेहमान बनकर पहुँची है लता अपने पति संग। जब ये 56 भोग लगा है तो एक्साइटमेंट तो अपने आप ही हो जाती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी भी आ गए हैं ताकि देर तक खाते रहेंगे और पूरे के पूरे 56 आइटम खा के जाएंगे। डिवाइन स्प्रेड, तो मतलब वो डिवाइन स्प्रेड देखने की तो बहुत एक्साइटमेंट है। अभी तो खा लूंगी, बाद में वर्कआउट कर लेंगे, देखा जाएगा। तो भाई हम भी यही कहेंगे कि इस मधुबन में आप भी आइए और टेस्टी फूड का मजा उठाइए। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।